हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाई जाती है और 2020 की क्या थीम थी और क्या क्या विशेष बातें बोली गई हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो हिस्ट्री है वो हम थोड़ा जान लेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज ऑब्जर्व ऑन July 11 एवरी ईयर विच सीक्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इशू। द इवेंट वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इन 1989। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके ग्लोबल पॉपुलेशन इशू के बारे में। ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन इशू, क्योंकि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, बढ़ने का क्या क्या नकारात्मक इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो ये सब बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाना ही काम है ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। ठीक है, तो ये इवेंट जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था 1989 में, किसके द्वारा, तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक प्रोग्राम है, एक डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इंस्पायर बाय द डे ऑफ 5 बिलियन ऑब्जर्व ऑन 11 जुलाई 1987 एज एन अप्रोक्सीमेट डे वेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस 5 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द डे ऑफ 5 बिलियन, ये ऐसा डे है जिसमें पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन वो 5 बिलियन क्रॉस कर चुका था, तब ये ऐसा रियलाइज हुआ कि अब वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तब से यानी कि 1987 से ये वाला चीज़ जो है अवेयरनेस फैलाना शुरू हो गया और तभी से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का चलन जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो अगेन गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम and was observed on 11 July 1989। ठीक है, next हम देखेंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एम टू इंक्रीज पीपल्स अवेयरनेस ऑन वेरियस पॉपुलेशन इशूज सच एज इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वलिटी, पॉवर्टी, मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का क्या एम है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का मेन एम है कि पीपल में अवेयरनेस यानी कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव जाति हैं, उन सभी में ऐसा जागरूकता लाना है कि पॉपुलेशन जो है जो इंक्रीज हो रहा है ये हमारे लिए हानिकारक है। हम जो फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, मेंटल हेल्थ है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है जो अल्टीमेटली पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, सभी के बारे में हमें अवेयरनेस फैलाना ही वर्ल्ड पॉपुलेशन का एम है। द डे वॉज सजेस्टेड बाई डॉक्टर के सी जचारिया इन विच पॉपुलेशन रिच 5 बिलियन वेन ही वर्क एज अ सीनियर डेमोग्राफर एट वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये जो दिन जो है, जो मैं आपको बोले थे 1989 वाला डे, वो सबसे पहले डॉक्टर के सी जचारिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था और वो जो थे वो सीनियर डेमोग्राफर थे वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो इनके द्वारा ही ये वाला चीज़ फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया और ये चलन जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का क्या थीम था, क्या इंपॉर्टेंस बातें बोली गई हैं 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन में, ये सब चीज़ हम अब देखेंगे। 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का फोकस जो है वो क्या है, पीस इन द होम, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इवन ड्यूरिंग COVID-19। ठीक है, तो 2020 का जो फोकस पॉइंट है, जो थीम आप बोल सकते हैं 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो क्या है, पीस इन द होम, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इवन ड्यूरिंग COVID-19। ठीक है, तो अभी जो है COVID-19 और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज जो है घर में रहती हैं और घर में जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो एक अलग टाइप का एक इन्वायरमेंट बनता है जहाँ पे बहुत सारे अशांति भी होते हैं, तो इसीलिए जो मेन फोकस है वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो है पीस इन होम। ठीक है, पीस इन होम, सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वोमेन एंड गर्ल इवन इन COVID-19। ठीक है, तो वोमेन को इस बार बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज किया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तहत। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ अ ग्लोबल पैंडेमिक द UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हैज़ डिसाइडेड टू
focus and raise awareness on the vulnerability and myth that exist in our societies against the woman and girl. ठीक है, तो वो सोसाइटी में जो भी वल्नरेबल कंडीशन है वोमेन का और जो भी मिथ्स हैं, ठीक है, तो उन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाना है. ठीक है, यही इस बार का थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का. दिस वल्नरेबिलिटीज एंड मिथ्स रिजल्ट इन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड इवन लीड टू जेंडर बेस्ड वॉयलेशन इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये जो राइट्स, जो वुमेन का राइट जो है उसको दबाया जाता है, उनके निगलेक्ट किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, तो ये सब चीज़ जो है इसको ही अवॉइड करना, कम करना, जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज है, ठीक है, इन सभी को रिड्यूस करना इस बार का मेन फोकस पॉइंट था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस बार थीम रखा गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तहत. नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर UNFA अबाउट 47 million वोमेन अक्रॉस लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड वोंट हैव एसेस टू मॉडर्न contraceptives if the global pandemic continues for another 6 months. This may lead to unwanted 7 million प्रेगनेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 47 million वोमेन, ठीक है, जो लो एंड मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज है उनको, उनके पास मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि जो गर्भ निरोधक जो होते हैं, मॉडर्न प्रिकॉशंस नहीं है, तो इसीलिए अगर ये पैंडमिक 6 मंथ तक और चले तो 7 million प्रेगनेंसीज और भी ज़्यादा होंगे और भी ज़्यादा पॉपुलेशंस बढ़ेंगे. ये जो है UNFA का एक अनुमान है, उनके रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये अनुमान दिए हैं. एज पर एस्टिमेटेड इन मार्च 2020 द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू हैव क्रॉस्ड 7.8 billion. As per records, it took the human population more than 200 million to reach 1 billion population. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका अनुमान है कि मार्च 2020 का अनुमान है कि द पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो क्रॉस कर जाएगा 7.8 billion. ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन जो है वो मार्च 2020 के हिसाब से अनुमान किया जा रहा है. सिंस देन इट टुक अ कपल ऑफ सेंचुरीज फॉर द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन टू क्रॉस द मार्क ऑफ 7 billion. एज पर प्रोजेक्ट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विल रीच अबाउट 10 million इन द नेक्स्ट 3 decade. तो देखिए पॉपुलेशन कितनी स्पीड से बढ़ रही है. यहाँ पे उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 7 million जो है वो हो जाएगी मार्च 2020 के बाद एंड नेक्स्ट 3 decade, यानी कि और भी 30 साल बाद जो है वो 10 billion जो है वो इंक्रीज कर जाएगी पॉपुलेशन. तो बेसिकली जो है पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रहा है हमारा वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे, इसको रिड्यूस करना, अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि पॉपुलेशन जो है, हम लोग का पॉपुलेशन इतनी जल्दी से बढ़ रही है, उतना हम लोग संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है अवेयरनेस फैलाना ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मेन लक्ष्य होता है. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का थीम जो है वो वोमेन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. वो अत्याचार हो रहे हैं, उनका जो राइट्स वॉयलेट किया जा रहा है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो रहे हैं, ये सब चीज़ है. और आई होप मैं आपको 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन थीम क्या थी और उनके क्या क्या विशेषता है वो सारे बातें डिटेल में समझाई हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.